डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैदरगढ़ की तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को और हमारे जितने भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हैं उन सभी को जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दीपावली के इस त्योहार के बारे में जो है हम अपने जायसवाल सर से कुछ जानते हैं। तो जायसवाल सर, दीपावली का पर्व है, प्रकाश का उपहार होना चाहिए, आपका कीमती वक्त हो और ढेर सारा प्यार होना चाहिए आप सभी YouTube फ्रेंड्स को, व्यूअर सब्सक्राइबर को दीपावली पर्व की ढेरों बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सोमनाथ जायसवाल आप फ्रेंड्स को बस फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार दीपावली दीपों के साथ मनाइए, क्योंकि यह पर्व दीपों का है और दीपों से हमें लॉस नहीं है, नुकसान नहीं है। हम बात करें दीपों की तो दीपों से हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही है और प्रकाश, ये प्रकाश फैलाने वाला त्योहार है, दुनिया को प्रकाशित करने वाला त्योहार है। तो हम खुद की आत्मा को प्रकाशित करें, खुद के परिवार को प्रकाशित करने के साथ साथ अपने पूरे देश को भी प्रकाशित करें, देश में व्यवस्थित मौजूद प्रत्येक परिवार को भी हम प्रकाशित करें। तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे दीपों के बारे में, जो हमारे आसपास वातावरण में या जो हमारे दोस्त होते हैं इस दुनिया के लोग, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया हमारे दोस्त हमारा परिवार है। कुछ लोग दीपक या दीप सेल करते हैं, मिट्टी के दीप सेल करते हैं और हम लोग उन्हें इग्नोर करते हैं। अब प्रॉफिट क्या है हम आपसे बताना चाहते हैं। यदि हम दीपों का प्रयोग करते हैं, उसमें देसी तेल का प्रयोग करते हैं, तो जब ये दीप रात में प्रकाशित होते हैं तो हमारे पूरे एनवायरमेंट में, पूरे वातावरण में जो जम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे वातावरण की शुद्धियां होती है। यही नहीं, इन दीपों से हमें और हमारे परिवार को बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है और इजिली हम इन दीपक को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मिट्टी में। इवन हम बात करें, बहुत सारी झड़ियां लेकर के आते हैं जिनमें छोटे बल्ब होते हैं, कैंडल्स यूज करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप ना करें, आप करें लेकिन एक सीमित मात्रा में करें। क्यों? क्योंकि यदि आप कहीं से दीपक परचेस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी भी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी, अर्थव्यवस्था उसके घर की सुधरेगी, वो भी इस त्योहार में त्योहार को मना सकेगा, उसका भी परिवार प्रकाशित होगा, खुशियों से भरेगा, फूलेगा फलेगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार इस दीपों के त्योहार को दीपों से ज्वलित करिए, प्रकाशित करिए, खुद का जीवन प्रकाशित करिए और पूरे देश का, पूरे देश के नागरिकों का जीवन प्रकाश से भरिए। इस संदेश के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अपने अभय सर को। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी, डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैदरगढ़ की तरफ से एक बार फिर आप सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई बीज की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में दीपावली हर्षोल्लास का त्योहार है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर दीपावली में एक ऐसी चीज भी इंक्लूड है जो वास्तव में कहीं ना कहीं हमें हानि पहुंचाती है। आप सभी को मालूम है कि दीपावली में जो हम असीमित मात्रा में पटाखे फोड़ते हैं, उन पटाखों से बहुत सारा प्रदूषण होता है। हर साल हम खबरों में पढ़ते हैं कि हमारे गांव या कस्बाई इलाकों में तो कम ही होता है, परंतु शहरी इलाकों में जैसे दिल्ली, NCR, लखनऊ इत्यादि में इनके कारण बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है और जिसकी धुंध कई कई दिनों तक, कई हफ्तों तक फैली रहती है, लोगों को मास्क लगा के घर से निकलना पड़ता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपावली पर हम जो भी क्रियाकलाप करें उनसे हमें और हमारे आगे जो आने वाले दिनों में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्योंकि इससे बारूद के फटने से जो भी गैसेस निकलती हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में व्याप्त हो जाती हैं, बाद में हम ऑक्सीजन को जब ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में वो हानिकारक गैसें भी हमारे शरीर में जाती हैं और हमें और हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं डैमेज करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे आपसे कि आइए दीपावली के इस खुशियों के पर्व को खुशी से मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं,
सावधानी से मनाएं और पटाखों को सीमित मात्रा में फोड़ के हम अपने इस वातावरण को बचाएं, वायुमंडल को स्वच्छ रखें और इस स्वच्छ और स्वस्थ वायुमंडल में एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। तो अंत में एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स, हमारे सभी जानने वाले और हमारे सहयोगियों को डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की संपूर्ण टीम की तरफ से दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई बीज की ढेरों शुभकामनाएं।